अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज एक रिटर्न आया है रिसीव हुए, ये एक छोटा फ्रेंच पैन था, फ्रेंक पैन जो होता है वो मैंने जो है वो कस्टमर को सेंड किया था, और ये ऑर्डर नंबर है और ट्रैकिंग नंबर, ये रिसीव बैक हुआ है, ये इसका फ्लायर है। अच्छा, दिखने में ये जो है ना ये वो प्रोडक्ट नहीं लग रही, फ्रेंक पैन का हैंडल होता है और ये कहीं से भी इसका हैंडल नहीं लग रहा, लेकिन अंदर जो गत्ता है उसके अंदर मैंने पैक करके भेजा था, गत्ता मुझे एज इट इज़ लग रहा है लेकिन फ्रेंक पैन नहीं लग रहा। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, ये मे बी फ्रेंक पैन ही हो, लेकिन ओपन करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास प्रूफ भी हो कि हमें क्या रिसीव हुआ है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन कर लिया, ये हमेशा की तरह एक पजल है जो पढ़ी नहीं जाती। ये देखें, नहीं फ्रेंक पैन ही है, लेकिन ओपन करके देख लेते हैं कि ये सही हालत में भी रिसीव हुआ है या नहीं। वो ये रेड जो मैंने भेजा था, हालांकि साइजेस वगैरह सब मेंशन होते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर पता नहीं इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये सारी पैकिंग इसकी फाड़ दी है, ये यूज किया हुआ क्या है, प्रोडक्ट तो इसी तरह वापस आई है, लेकिन अब पता नहीं, आइडिया नहीं हो रहा कि यूज किया हुआ है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक स्टिकर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह एक स्टिकर होता है, ये यहाँ वो नहीं है, ये वाला ब्लू वाला, ये देखें ये सारे निशान पड़े हुए हैं, ज़रा मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। साफ भी नहीं हो रहे, पता नहीं किस चीज़ के, मुझे लगता है यूज़ किया हुआ है ना, ये ऑयल भी लग रहा है हल्का हल्का इस पर। ये देखें ये वाले निशान जो हैं, ये स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कस्टमर ने यूज़ किया है इसे चूल्हे पे, ये चूल्हे से निशान लगे लग रहे हैं, और ये ऑयल भी लग रहा है। ये देखें, मैं आपको अंदर हाथ लगा कर ये देखें, ये आपको शाइन से पता चल रहा है, ऑयल के अंदर आ गया। तो मैं आपको इसकी ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें इसमें और इसमें देखें, शाइन से पता चल रहा है कि ऑयल लगा हुआ है। अब ये पता नहीं दोबारा सेल करूँगा तो दोबारा भी कस्टमर इसे रिटर्न ही करेगा, क्योंकि ये सारा यहाँ निशान पड़ गया है। तो अभी मैं इसका क्लेम फिल करता हूँ और देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।